नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नथिंग फोन 2A और ये है वन प्लस नोट सी 4 5G। दोस्तों हम दोनों का करने वाले हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन, मतलब कि हम देखेंगे अगर आप इनका बेंचमार्क टेस्ट करोगे, सीपीयू थ्रॉटलिंग करोगे, गेमिंग करोगे या किसी भी फाइल या वीडियो को कॉपी पेस्ट करोगे तो कौन सा फोन बेहतर परफॉर्म करेगा, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो है लिटरली होगा परफॉर्मेंस के बारे में, तो रियल लाइफ इन्वायरमेंट में कौन सा फोन बेहतर परफॉर्म करेगा ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड के बाद। और सभी टेस्ट को रन करने के दौरान हम बैटरी लेवल को भी चेक करते रहेंगे, इसके अलावा जो टेम्परेचर है उसको भी नोट करते रहेंगे। आप देख पा रहे हो दोनों फोन में जो बैटरी लेवल है 100% है और दोनों फोन में जो ब्राइटनेस लेवल है मैंने 80% पे सेट किया है। वॉल्यूम को मैंने फुल पे सेट किया दोनों फोन में। दोनों फोन में डेटा, ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन रखा गया है, आप देख सकते हो। अगर बात करेंगे प्रोसेसर की तो नथिंग फोन 2A में है मीडियाटेक डिमेंसिटी 7200 प्रो 5G प्रोसेसर और इसमें है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। दोनों ही प्रोसेसर 4nm पे बेस्ड है। तो हम सबसे पहले रन करेंगे Geekbench 6 को। तो ये है Geekbench 6 का रिजल्ट। तो आप देख पा रहे हो नथिंग फोन 2A में है सिंगल कोर में 1128 और वन प्लस में है 1119। तो 9 पॉइंट्स इसमें ज्यादा है सिंगल कोर में। अगर बात करेंगे मल्टी कोर की तो यहाँ पे है 2541 और यहाँ पे है 2921, मतलब कि वन प्लस में अप्रोक्स 400 आपको ज्यादा मिलेंगे मल्टी कोर में। तो Geekbench 6 के हिसाब से ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलेगा वन प्लस नोट सी 4 5G में। एक बात बताना मैं भूल गया, दोनों ही फोन में टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले जो बैकग्राउंड ऐप्स है उनको मैंने क्लियर कर दिया था। तो अब देखोगे आप दोनों ही फोन में बैकग्राउंड में कोई भी ऐप एक्टिव नहीं है, केवल जो हम टेस्ट करेंगे उन्हीं ऐप्स को मैं एक्टिव रखूंगा बैकग्राउंड में। अब रन करते हैं एंटूटु बेंचमार्क को। तो ये है एंटूटु बेंचमार्क का रिजल्ट। तो यहां पे आप देख पा रहे हो नथिंग फोन 2A में है 6,76,000 और वन प्लस नोट सी 4 5G में है 8,24,000, मतलब कि अप्रोक्स 20% ज्यादा स्कोर मिला है इस फोन में। और बात करेंगे टेम्परेचर की, दोनों ही फोन में टेम्परेचर सेम था टेस्टिंग के दौरान, लेकिन अब हम देखेंगे टेस्टिंग के बाद। तो इसमें है 33 डिग्री सेल्सियस और इसमें है 33 डिग्री सेल्सियस, अभी भी दोनों में सेम है। नथिंग फोन 2A में मैक्सिमम सीपीयू टेम्परेचर टच हुआ था 38 डिग्री सेल्सियस पे और वन प्लस में टच हुआ था 36 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 6 डिग्री राइस और इसमें है 3.4 डिग्री राइस, मतलब कि नथिंग के फोन में टेम्परेचर ज्यादा राइस हुआ था टेस्टिंग के दौरान। और बैटरी ड्रेन इसमें हुआ था 5% और इसमें हुआ है 4%, मतलब कि इसमें 1% ज्यादा बैटरी ड्रेन हुआ है टेस्टिंग के दौरान। तो दोनों बेंचमार्क को रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो अभी इसमें है 93% और इसमें है 95%। वन प्लस के फोन में आपको बैटरी बैकअप बेहतर मिलेगा क्योंकि इसमें है 5500 mAh की बैटरी और इसमें है नथिंग के फोन में 5000 mAh की बैटरी, तो 10% बैटरी ज्यादा इस फोन में, इसलिए आपको इसमें बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा बैटरी के मामले में। अब हम 3D मार्क वाइल्ड लाइफ को टेस्ट करेंगे, ये होता है 1 मिनट का टेस्ट। तो ये था ग्राफिक टेस्ट। अगर बात करेंगे ग्राफिक्स की तो नथिंग फोन 2A में यूज किया गया है माली G610 MC4 GPU और वन प्लस के फोन में यूज किया गया है क्वालकॉम एड्रेनो 720। तो आप देख पा रहे हो ग्राफिक टेस्ट में स्कोर बेहतर मिला है वन प्लस के फोन में जो है 5347 और इसमें है 4139। तो वन प्लस के फोन में अप्रोक्स 25% बेहतर परफॉर्मेंस मिला है ग्राफिक टेस्ट में। और बात करेंगे एवरेज फ्रेम रेट की तो नथिंग फोन में आपको मिला है 25 और इसमें वन प्लस के फोन में आपको मिला है 32। तो FPS भी आपको बेहतर मिलेगा OnePlus के फोन में। नथिंग के फोन में 14 to 31 FPS के बीच में रहा था फ्रेम रेट और OnePlus के फोन में 22 to 41 के रेंज में रहा था FPS। तो इस टेस्ट के जरिए कह सकते हैं कि OnePlus के फोन में आपको मिलेगा बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस। अब हम करेंगे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो हम इसे रन करेंगे 15 मिनट के लिए। तो टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैंने टेम्परेचर नोट किया था तो दोनों फोन में था 35 डिग्री सेल्सियस, दोनों फोन में सेम है। तो ग्राफ देखकर आप समझ सकते हो कि कौन सा फोन ज्यादा थ्रॉटल किया है। तो वन प्लस का जो फोन है 84% तक थ्रॉटल किया है और ये किया है 89% तक।
तो 5% ज्यादा थ्रोटलिंग हुई है वन प्लस की इस फोन में। लेकिन बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो नथिंग के फोन में मिला है मैक्सिमम परफॉर्मेंस 240 के GIPS, लेकिन वन प्लस के फोन में है 290 के GIPS। हमें देखना होता है एवरेज, तो एवरेज इसमें बेहतर है वन प्लस के फोन में जो है 264 के GIPS और इसमें है 224 के GIPS। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आपके फोन में कोई भी हेवी टास्क कर रहे हो जैसे कि एडिटिंग या गेमिंग, तो ऐसे में अगर आपका फोन हीटअप होगा तो आपके फोन में सीपीयू परफॉर्मेंस को डाउन किया जाएगा ताकि आपके फोन में और ज्यादा हीटिंग ना हो। तो आपका फोन अगर थ्रॉटल कर रहा है मतलब कि आपका फोन अगर हीटअप होता है तो उसके दौरान आपको पीक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। मान लो आप गेमिंग कर रहे हो, ऐसे में अगर आपके फोन में हीटिंग हो रही है तो आपके फोन में जो FPS है कम हो जाएंगे, आपको परफॉर्मेंस बेहतर नहीं मिलेगा। लेकिन आपका फोन अगर थ्रॉटल नहीं करेगा मतलब कि अगर आपका फोन हीटअप होता भी है फिर भी आपके फोन में आप अच्छे FPS पे गेमिंग कर पाओगे, आपका गेम लैग नहीं करेगा। अब बात करते हैं बैटरी लेवल की, तो इस फोन में है अभी फिलहाल 85% और अभी इसमें है 87%। अब हम करेंगे इनकी स्टोरेज टेस्ट। दोनों फोन में रैम टाइप सेम है LPDDR4X, लेकिन जो बड़ा डिफरेंस है दोनों फोन के बीच में वो है स्टोरेज टाइप का। नथिंग फोन 2 में है UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप और वन प्लस के फोन में है UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। और आपको बता दें कि जो UFS 3.1 है वो 2.2 के मुकाबले से 2 गुना फास्टर है। तो पहले हम कर लेते हैं स्टोरेज टेस्ट और जो भी स्कोर आएगा उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो स्टोरेज टेस्ट में नथिंग फोन 2A को स्कोर मिला है 48,000 और वन प्लस को मिला है 66,000। नथिंग के फोन में रीड स्पीड है 1041 Mbps और वन प्लस के फोन में है 1714 Mbps और राइट स्पीड है नथिंग के फोन में 980 Mbps और वन प्लस के फोन में है राइट स्पीड 1622 Mbps। तो वन प्लस के फोन में जो रीड राइट स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली डबल है कम्पेयर टू नथिंग फोन 2A। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है अपने फोन में, इसकी साइज है 11 GB और इसे हम कॉपी करेंगे किसी और फोल्डर में, तो मैं करूंगा कॉपी टू और इसे हम मूव करेंगे मूवीज के फोल्डर में, साथ में करेंगे कॉपी हियर और मैं टाइमर को भी स्टार्ट करूंगा। तो आप देख सकते हो पहले फाइल कॉपी हुई थी वन प्लस के फोन में और उसे टाइम लगा था 45 सेकंड्स और नथिंग के फोन में टाइम लगा है 51 सेकंड्स, तो केवल 6 सेकंड्स का डिफरेंस है। लेकिन बात करेंगे परसेंट वाइज, तो वन प्लस के फोन में करीबन 15% फास्टर स्पीड में फाइल को पेस्ट किया गया है। अब हम देखते हैं अगर आपको काइन मास्टर में किसी भी फाइल को एडिट करना हुआ तो आपको मैक्सिमम कौन सा फॉर्मेट शो किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम है वीडियो क्वालिटी 2K Quad HD और इसमें है 4K और इस फोन में आप 1440 के 3 लेयर, 1080p के 5 लेयर और 720p के 8 लेयर कर पाओगे ऐड। और इसमें आप 4K का 1 लेयर, 1440 के 2 लेयर, 1080p के 3 लेयर ऐड कर पाओगे। तो वीडियो एडिटिंग के मामले में आपको वन प्लस के फोन में बेहतर मिलेगा परफॉर्मेंस। तो अब हम करेंगे एक वीडियो फाइल को एक्सपोर्ट और ये है 20 मिनट की वीडियो। नथिंग के फोन में 4K ऑप्शन नहीं है इसलिए हम दोनों फोन में 2K 60 FPS पे वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो 2K 60 और यहाँ पे है 2K 60। दोनों फोन में एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन नथिंग फोन 2A ने पहले वीडियो को एक्सपोर्ट कर दिया था। और आप देखोगे टाइमर को, नथिंग फोन 2A ने लिया है 16 मिनट 56 सेकंड्स और वन प्लस के फोन ने लिया है 19 मिनट 12 सेकंड्स, मतलब कि 2 मिनट 15 सेकंड्स ज्यादा लिए है वन प्लस के फोन ने। तो बात करेंगे हाई क्वालिटी वीडियो को एक्सपोर्ट करने की, अलग अलग लेयर्स को ऐड करने की हाई क्वालिटी में, तो आप कर पाओगे अच्छे से वन प्लस के फोन में। लेकिन बात करेंगे वीडियो को एक्सपोर्ट करने की स्पीड की, तो आप अपने नथिंग फोन 2A में वन प्लस के फोन के मुकाबले फास्टर स्पीड में एक्सपोर्ट कर पाओगे। अप्रोक्स 25% आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी एक्सपोर्ट करने के दौरान। अब बात करते हैं गेमिंग की, तो हम देखेंगे दोनों फोन में आप BGMI और COD को कौन से फॉर्मेट में खेल पाओगे। अगर बात करेंगे ग्राफिक्स की, तो वन प्लस के फोन में आपको मिलता है एडवांटेज, इस फोन में आप खेल पाओगे मैक्सिमम अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स के साथ। लेकिन नथिंग फोन में आपको अल्ट्रा HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, आप खेल पाओगे मैक्सिमम HDR ग्राफिक्स के साथ। और बात करेंगे अगर फ्रेम रेट की मतलब की FPS की, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम दोनों फोन में आप देख सकते हो। लेकिन जैसे मैं नथिंग के फोन में जाऊंगा बैलेंस पे, तो आपको यहाँ पे बैलेंस प्लस अल्ट्रा मिलेगा। लेकिन वन प्लस के फोन में आपको बैलेंस पे मिलता है एक्सट्रीम, HD पे भी मिलता है एक्सट्रीम, HDR पे भी मिलता है एक्सट्रीम, मतलब कि आप स्मूथ बैलेंस HD HDR के साथ खेल पाओगे एक्सट्रीम FPS पे, मतलब कि आपको मिलेगा 60 FPS का सपोर्ट। और अल्ट्रा HDR आप खेल पाओगे अल्ट्रा FPS पे। लेकिन नथिंग के फोन में अगर आप करोगे बैलेंस्ड HD HDR, तो
तो आपको मिलेगा अल्ट्रा का मैक्सिमम सपोर्ट, एक्सट्रीम का सपोर्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं सीओडी की। हालांकि आप सीओडी नथिंग फोन में ज्यादा अच्छे से खेल पाओगे क्योंकि आपको यहाँ पे ग्राफिक्स भी ज्यादा मिलती है और जो फ्रेम रेट है वो भी आपको ज्यादा मिलते हैं। ग्राफिक क्वालिटी यहाँ पे नथिंग फोन में है लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, लेकिन वन प्लस के फोन में आपको मिलता है लो, मीडियम, हाई का ऑप्शन, वेरी हाई का ऑप्शन मिसिंग है। और फ्रेम रेट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे है मैक्स के बाद अल्ट्रा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम है मैक्स। तो आप अल्ट्रा एफपीएस पे खेल पाओगे सीओडी को नथिंग फोन में, तो लो प्लस मैक्स यहाँ पे है लो प्लस अल्ट्रा, मीडियम प्लस मैक्स, मीडियम प्लस मैक्स, हाई प्लस मैक्स यहाँ पे भी है हाई प्लस मैक्स, वेरी हाई आप खेल पाओगे वेरी हाई पे। तो सीओडी की बात करेंगे तो सीओडी आप खेल पाओगे अच्छे से नथिंग फोन 2A में। तो हमने अभी सभी टेस्टिंग कर ली है और बात करेंगे एंड में बैटरी लेवल की, तो यहाँ पे है 73% और इस फोन में है 74%, 1% का डिफरेंस है। और एक एडवांटेज है वन प्लस के फोन का, इस फोन के साथ आपको मिलता है इन द बॉक्स 100 वोट का फास्ट चार्जर, और ये जो 100 वोट का चार्जर होता है आपको मिलता है 3 से 3,500 में, लेकिन इस फोन में आपको बॉक्स में ही मिल जाता है चार्जर, तो आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है चार्जर के लिए। लेकिन ये जो फोन है मैक्सिमम सपोर्ट करता है 45 वोट चार्जिंग, और इस फोन के साथ आपको चार्जर भी नहीं मिलता। तो अगर आपको चार्जर परचेस करना हुआ 45 वोल्ट का तो आपको मिलेगा 2,500 में, तो आपको 2,500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपको चार्जर खरीदना हुआ तो। और ये जो नथिंग फोन है 0 to 100% चार्ज होता है 60 मिनट में अगर आप 45 वोल्ट के स्पीड से चार्ज करोगे तो। और ये जो वन प्लस का फोन है 0 to 100% चार्ज होता है केवल 29 मिनट में अगर आप 100 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करोगे तो। दोस्तों तो ये था दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो बात करेंगे बेंचमार्क की, जैसे कि एंतुतु, गिगबेंच 6, 3D मार्क, वाइल्ड लाइफ टेस्ट, तीनों में ही विनर रहा है वन प्लस का फोन। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस तो आपको परचेस करना होगा वन प्लस के फोन को। लेकिन अगर आपको चाहिए लुक बेहतर, यूनिक सा लुक चाहिए, बेहतर कैमरा चाहिए, जो अपडेट है आपको लंबे समय तक चाहिए क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे 3 OS अपडेट और इसमें आपको मिलेंगे 2 OS अपडेट, तो ऐसे में आपको परचेस करना होगा नथिंग फोन 2A को। लेकिन ओवरऑल बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो मुझे लगता है कि वन प्लस काफी आगे है परफॉर्मेंस के मामले में नथिंग फोन 2A से। जैसे कि मैंने कहा ये लिटरली एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, इसमें मैंने कैमरा या बाकी चीजों को टेस्ट नहीं किया है। मैंने रन किए बेंचमार्क को, सीपीयू थ्रॉटलिंग को, गेमिंग को और एडिटिंग को, तो उसके हिसाब से जो बेहतर फोन निकला है वो है वन प्लस नोट सी 4 5G। दोस्तों तो ये था नथिंग फोन 2A और वन प्लस नोट सी 4 5G के परफॉर्मेंस कंपैरिजन के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।